नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आज मैं आप लोगों को मेरा मेकअप दिखाना चाहती हूँ। नहीं चाहिए, मेरा मेकअप नहीं चाहिए, फिर भी दिखाने वाली हूँ। हाँ, तो आज मैं मेकअप और चेहरे के जापानी शब्द सिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आँख, मुंह, नाक जापानी में कैसे बोलते हैं वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ मेरा योनिस्ट। फाउंडेशन लगाने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज करती है। इसको केशोर सुई कहते हैं, केशोर सुई। ठीक है, नेक्स्ट बीबी क्रीम। इसको केशोर स्टार्च फाउंडेशन कहते हैं। ये लिक्विड है, थोड़ा सा, बस इतना ही। ऐसे करके थोड़ा सा कम थोड़ा। हाँ, चेहरे को जापानी में खाओ कहते हैं, खाओ। ठीक है, नेक्स्ट फाउंडेशन मैकियाज शिसेइडो, जापानीज कंपनी है। त्वचा को जापानी में हादा कहते हैं, हादा। नेक्स्ट आईब्राउ, आईब्राउ को जापानी में मायुगे कहते हैं, मायुगे, मायुगे। ओके, नेक्स्ट आई शैडो। यहाँ पे कुछ रंग लगाऊंगी और मेरे पास बहुत ही आई शैडोज हैं। ये मेरी सहेली इतोको ने दिया है, ये भी मेरी सहेली सायाका सान ने दिया है। ये तीनों तो मैंने खुद खरीदा, ये तीनों सेम ब्रांड है, केट रेवलिंग। हाँ, वो सफेद ब्राउन लगाऊंगी। पहले सफेद वाला इसको ऐसे पूरा लगाऊंगी, थोड़ा सा शाइनी लगाना चाहिए ना। जापानी लड़कियों को बड़ी बड़ी आंखें चाहिए होती है, लेकिन जापानी आंखें तो बहुत ही छोटी है ना। मेरी तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत ही जापानी लड़कियों के पास बहुत ही छोटी सी आंखें हैं, इसलिए इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो बड़ा दिखने की बहुत ही कोशिश करते हैं। फिर इसी रंग को आंखें को जापानी में मे कहते हैं, मे। ऐसे नीचे से आधा, बस आधा ऐसे ही लगाऊंगी। ये एक तरह का शेड है, इससे थोड़ी सी आंखें बड़ी दिखेगी। आखिर इसी डार्क ब्राउन को आइलैंड जैसे लगाऊंगी। ऐसे मेरे पास ऐसा आईलाइनर भी है, लेकिन ये लगाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा, तो नेचुरल नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसा ब्राउन आई शैडो इस्तेमाल करके आईलाइनर जैसे इस्तेमाल करती हूँ। हाँ,
और इंडियन लोग काजल लगाते हैं ना ऊपर और नीचे दोनों में, लेकिन जापानी लोग नीचे में बिल्कुल नहीं लगाते हैं, बस ऊपर ऐसे आईलाइनर या आई शेडो लगाते हैं। ब्यूरा वो कहते हैं, आईलैशेस को जापानी में मात्सुगे कहते हैं। मात्सुगे मायुगे मात्सुगे मायुगे मात्सुगे कंफ्यूज हो जाएगा ना। まつげにビューラーをかけます。 ठीक है, forehead में कुछ लगाती नहीं, लेकिन शब्द तो बताऊंगी। इसको ओदेको कहते हैं, ओदेको ओदेको। ठीक है, マスカラをまつげに塗ります。まつげ、eyelashes。 ये मैं हमेशा मस्कारा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मस्कारा लगाने से थोड़ा सा कभी कभी सिर पे दर्द होता है, लेकिन आज लगाऊंगी। ये तो मेकअप ट्यूटोरियल है। हाँ, नीचे भी। ठीक है, अब होप्पेटा चीक को होप्पेटा कहते हैं, और इस पे ये वाला थोड़ा सा, ना ज्यादा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा। हाँ, अब लिपस्टिक्स लगाऊंगी। कुची कुची, मूव को कुची कहते हैं, और मूव का वो इसी पार्ट है ना। हाँ, इसको कुचिबिरु कहते हैं। कुचिबिरु कुचिबिरु नी कुचिबेनी वो नुरिमास। लिपस्टिक्स को कुचिबेनी कहते हैं। ठीक है, हो गया। इसको हना कहते हैं। हना हना। कुछ जापानी लड़की नाक पे ऐसे ब्राउन कलर को ना ऐसे ऐसे लगा के नाक को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं नहीं करती, मिटा देती हूँ। हाँ, तो अब बाल को कुछ करती हूँ। बाल को कामिनो के कहते हैं। कामी या कामिनो के। ठीक है, स्विच ऑन। किसी ने इसका ब्रांड पूछा है, मोज हेयर, लेकिन मैंने ब्रांड से नहीं चुना। मैं हमेशा ट्रेवल करती हूँ, इसलिए ऐसा आईलोन चाहिए था जो विदेश में भी इस्तेमाल कर सकूं। यूजुअली ऐसा वो आईलोन, वो बिजली का वो वोल्टेज कहते हैं क्या, हाँ, इसको बहुत मतलब चाहिए होता है या विदेश से अलग होता है, इसलिए चुनने के लिए ऐसा इंटरनेशनल वाला चाहिए था। मेरी हिंदी बहुत ही खराब है, हाँ, तो इसलिए ये चुना है। चलो, गर्म हो गया है। अब पहले मायगामी। माय का मतलब फ्रंट, गामी का मतलब बार। तो मायगामी वो ऐसे करके एक बार में ठीक से हो गया, तो बाकी बार थोड़ा सा लगाऊं क्या। ऐसा ना थोड़ा सा अंदर करना अच्छा माना जाता है ना। वैसे इतना ठीक है। दोनों साइज को थोड़ा सा अंदर करने से अच्छा लगता है। चलो, खत्म हो गया। तो मेरा मेकअप कैसा है? ठीक है ना। जापान में ब्यूटी का डेफिनेशन ये है कि एक तो छोटा छोटा चेहरा, इंडियन लड़कियों के पास बहुत ही छोटी सी चेहरा है ना, बहुत अच्छा लगता है, और बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, और ना जापान में हितोए से ज्यादा फुताए अच्छा माना जाता है। तो मेरे पास फुताए है, जन्मजात फुताए हूँ मैं, तो अच्छा है। लेकिन किसी जापानी लड़की को फुताए नहीं हितोए है,
또 쿠츠 라가 칼 후타이 바나네기 고시시 칼티헤 나르키야 티게 아이세 칼게 뷰티 순달 호네기 바호티 고시시 칼티헤 나르키야 메라 메이크업도 피르비 바호티 심플 사헤 유저리 타임 락타헤 10세 15 미나트 락타헤 리킨 쿠츠 나르키야 10 미나트 1 간다 라가테헤 मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी आजकल मैं इंडियन मेकअप भी करने की कोशिश कर रही हूँ काजल लगा के बिंदी लगा के हाँ क्योंकि साड़ी वगैरह इंडियन कपड़े पहनते समय इंडियन मेकअप करना अच्छा है ना तो इसलिए ऐसे भी कोशिश करती हूँ आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ठीक है मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे माता में बाय बाय